बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुबारक अली और आप देख रहे हैं टूर एंड टेस्ट। उम्मीद करता हूं अल्लाह के करम और फजल के साथ आप खैरियत से होंगे। तो टूर एंड टेस्ट में आज हम आप लोगों के लिए लेके हैं हांडी दम कबाब ग्रेवी के साथ, जो कि बहुत ही मजे के तैयार होते हैं और खाने में भी बहुत लजीज हैं। चीज़ें हम इकट्ठी करके ले आए हैं, तो चलिए रेसिपी जो है वो शुरू करते हैं। कबाब के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे कीमा। कीमे के लिए चिकन हमने लिया है बोनलेस, इसको पहले हम छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे। बाज़ जगह पे चिकन का कीमा जो है वो आसानी के साथ मिल जाता है, मगर कुछ जगह पे नहीं भी दस्तियाब होता। और जिस जगह पे चिकन का कीमा जो है वो दस्तियाब नहीं है, वो इस तरह बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। चिकन को काट के इसके छोटे छोटे पीस हमने कर लिए हैं और अभी हम इन्हें कूट लेते हैं। कूट के इसका कीमा बना लेंगे। चिकन को कूट के हमने इसका कीमा बना लिया। कीमा बनाने के बाद चिकन को हम डाल लेंगे परात में। और इसी तरह बाकी चिकन का भी हम कीमा जो है वो तैयार कर लेंगे। चिकन का कीमा हमने बना लिया और अभी बाकी चीजें जो है वो तैयार करते हैं। प्याज काट लेंगे और प्याज को हम बारीक बारीक चॉप करेंगे। प्याज हमारा चॉप हो गया, अभी हम प्याज को डाल लेते हैं चिकन के साथ परात में। थोड़े से हम इस्तेमाल करेंगे भुने हुए चने और इनको हम कूट के इनका पाउडर बना लेंगे। अभी हम काट लेंगे सब्ज मिर्च और इसको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। चिकन के ऊपर डाल लेंगे कुटा हुआ चने का पाउडर। चॉप की हरी मिर्च थोड़ी सी इस्तेमाल करेंगे। कसूरी मेथी और इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया। कसूरी मेथी और धनिया को भी डाल लेंगे परात में। कबाब के लिए भी परात में हम डाल लेंगे खुश्क मसाला जात, लाल मिर्च, नमक, साबुत जीरा, हल्दी पाउडर। थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे खुश्क धनिया, इसको हम कूट लेंगे। और साथ ही हम कूट लेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। अभी हम डालेंगे कुटा हुआ धनिया और काली मिर्च। अभी इन तमाम चीज़ों को चिकन के साथ मिला लेंगे और हाथ की मदद से मिलाएंगे ताकि तमाम चीज़ें जो है वो अच्छी तरह घुल मिल जाएं। तमाम मसाला जात को चिकन के साथ अच्छी तरह मिला लिए और अभी हम चिकन के कबाब जो है वो तैयार कर लेते हैं। कबाब तैयार करने के लिए हाथ पे लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल। कबाब का साइज जो है वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, मगर कबाब का साइज जो है वो दरमियाना सा होगा तो पकाने में जो है आसानी रहेगी और अंदर तक अच्छी तरह पक जाएगा।
इस तरह हम चिकन के कबाब जो है वो बना लेंगे। कबाब तैयार करके साथ ही हम रखते जाएंगे और सारे कीमे के जो है वो हम कबाब बना लेंगे। पहले कीमे के कबाब हमने बना लिए हैं और अभी चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हे में आग हमने जला लिया और कढ़ाई को रखते हैं चूल्हे पे। कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, ऑयल को थोड़ी देर के लिए गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया और अभी कबाब को फ्राई करते हैं। और एक वक्त में हम ज़्यादा कबाब जो है वो फ्राई नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े करके इनको फ्राई कर लेंगे। कबाब को एक साइड से फ्राई कर लिया और अभी इनकी साइड चेंज करते हैं। दूसरी साइड से भी कबाब को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लिया और अभी दोबारा से साइड चेंज करते हैं। और माशाल्लाह कबाब के ऊपर कलर जो बहुत ही ज़बरदस्त आना शुरू हो गया। इसी तरह हल्की सी आंच पे हम इसे पकाएंगे ताकि अंदर तक कबाब जो है वो हमारे पक जाए और ऊपर से जले भी ना। कबाब हमारे माशाल्लाह ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं और कलर जो है वो भी ज़बरदस्त आ रहे हैं इनके ऊपर, मज़ेदार सा देखने वाला। ये वाले कबाब हमारे माशाल्लाह ज़बरदस्त से तैयार हो गए। इन्हें हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। और बाकी कबाब भी हम फ्राई कर लेते हैं। ये वाले कबाब भी हमारे फ्राई हो गए हैं और इनको भी हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। कबाब फ्राई करने के बाद कढ़ाई में से इजाफी ऑयल जो हमने निकाल दिया है और अभी हम इसमें डाल लेते हैं खड़े मसाले। खड़े मसाले में हम इस्तेमाल करेंगे बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, थोड़ा सा खुश्क धनिया और सबज इलायची। खड़े मसालों को थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसमें डाल लेंगे चॉप किया प्याज। प्याज को भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। अभी हम काट लेंगे टमाटर। टमाटर को हम बारीक बारीक काटेंगे। और अभी हम कढ़ाई में डालेंगे टमाटर। टमाटर को भी नरम होने तक फ्राई कर लेंगे। अभी हम काट लेंगे कसूरी मेथी। हरी मिर्च काट लेंगे। टमाटर के नरम होने तक कूट लेंगे अदरक और लहसुन। टमाटर को भी नरम होने तक पका लिया और अभी हम कढ़ाई में डाल लेंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन को भी थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। अदरक और लहसुन को भी थोड़ी देर के लिए पका लिया और अभी हम कढ़ाई में डाल लेंगे कसूरी मेथी, इसको भी थोड़ी देर के लिए पकाएंगे।
अभी थोड़ी देर के लिए पका लिया और अभी हम कढ़ाई में डाल लेते हैं बाकी मसाला जात, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर। मसाला जार डालने के बाद अभी मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे और मसाले को तब तक भून लेंगे जब तक मसाला ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दे। मसाला हमारा माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो गया। अभी हम मसाले के साथ कढ़ाई में डाल लेंगे दही। दही डालने के बाद मसाले को मज़ीद थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। दही को भी मसाले के साथ थोड़ी देर के लिए पका लिया और अभी हम कढ़ाई में रख लेते हैं कबाब। कबाब रखने के बाद एक दफा हिलाएंगे। कबाब को कढ़ाई में रखने के बाद मसाले के साथ थोड़ी देर के लिए पका ली है। अभी हम कढ़ाई में डाल लेंगे थोड़ा सा पानी ग्रेवी के लिए। पानी डालने के बाद एक दफा हिलाएंगे, कढ़ाई को ऊपर से डांप लेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए कबाब को हल्की सी आंच पे दम पे रहने देंगे। कबाब को डांप के तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने पका लिया और अभी ढक्कन खोलते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो खुशबू जो है बहुत ही मज़े की। कबाब को एक दफ़ा हिलाएंगे और माशाल्लाह माशाल्लाह कबाब हमारे जो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो रहे हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह कबाब हमारे बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो रहे हैं। अभी कबाब को थोड़ी देर के लिए खुला रख के पका लेंगे और साथ ही हम इसमें डाल लेंगे कटी हरी मिर्च। कबाब को थोड़ी देर के लिए खुला रख के पका लिया तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे दम हांडी कबाब जो है वो ज़बरदस्त तैयार हो गए और ग्रेवी जो है वो भी माशाल्लाह ज़बरदस्ती और गाढ़ी सी तैयार हो गई है। कढ़ाई को ऊपर से डांप लेंगे और कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। अभी हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। कढ़ाई को दोबारा ऊपर से डाम देंगे। अभी हम आपको हांडी दम कबाब जो है वो प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे कबाब जो है वो भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए और ग्रेवी जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। आप भी हमारे तरीके को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई और इसका जायका कैसा रहा। खाने से पहले प्लेट के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा धनिया। तो माशाल्लाह ये हमारे हांडी दम कबाब जो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए और अंदर से भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और नरम से जूसी से। Thank you.
हाँ जी अभी हांडी राम कबाब कैसे तैयार है? भैया बेटे को भी मजा आया? तो माशाल्लाह ये हमारे हांडी दाम कबाब जो बहुत ही जबरदस्त तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो जो पसंद आएगी, पसंद है जिससे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों अहबाब के साथ, और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुँचे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। सदा खुश रहे, अल्लाह हाफिज़।